पेशेंट से होता है कि हर चीज़ का रिजल्ट अभी होना चाहिए, क्योंकि कल शूट है या कल फोटोशूट है या कल कुछ और पब्लिक अपीयरेंसेज हैं. बट थैंकफुली इन द लास्ट 4 years आई हैव मेट हर 4 years अगो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी गॉट टुगेदर. एज यू नो आई हैव बीन शॉर्ट अ फिल्म, सो आई हैव नॉट हैड द अर्जेंसी टू गो एंड डू थिंग्स टू माई सेल्फ विच आर केमिकली ड्रिवन. इट हैज बीन प्रीटी नेचुरल. आई हैव माई एल्डर डॉटर रेने is for some reason into avocado packs. So she finds them, she puts them in the fridge, makes them cold, and then at will chops them and applies them on herself, and I'm the guinea pig that she tries everything new on. So this is, she's in boarding, so she and the other girls are very excited to know that so many young people today are learning how to do things themselves. That could also be a result of the fact that mothers don't allow you to buy anything. So then you end up making things for yourself and taking care. बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि सच बात तो ये है कि डे बाई डे उम्र बढ़ रही है, इंसान यंग नहीं हो रहा है, मगर जब तक दिल यंग हो इंसान को ओल्ड बुलाना बहुत मुश्किल है. आई थिंक यू हैव टू इंसान को खुश रहना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास वक्त जो है एक बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है. अगर आप वक्त पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाएँ तो टाइम रनज आउट. But whatever you've lived has been an experience, और वो हमेशा खूबसूरत रहता है. तो जी बिल्कुल, जहाँ तक मेरा सवाल है और कल आपकी कॉम्प्लीमेंट की बात है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं दिन ब दिन जवान होती चली जा रही हूँ, तो निर्मला शेट्टी जी को क्रेडिट बिल्कुल दे दें आप. बिल्कुल, हमारी इतनी बुरी आदत होती है एक्टर्स की कि हम लोग अगर जेनेटिकली भी गिफ्टेड हों कि हमारे खानदान में सबका स्किन बहुत सुंदर है, तो हमारा भी बाय डिफॉल्ट सुंदर है स्किन. नो, वी वेक अप इन द मॉर्निंग, वी डू मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, दिस दैट, एंड आई गो टू द स्पा रेगुलरली, एंड देन आई गो टू दिस पर्टिकुलर स्पा इन स्पेन. सो हम लोगों की थोड़ी आदत खराब है, हम थोड़ा ऐसे गॉसिप करते हैं. बट सच बात तो सिर्फ ये है, सुबह उठ के मुंह धोया जाता है और उसके बाद सीधे यू कीप योर पोर्स क्लीन, योर एक्सफोलिएट, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है. एंड एज यू गेट ओल्डर यू मस्ट टेक मोर केयर ऑफ योर स्किन. And if you have bad habits, which all of us do at some level, all the more you need to take care of it. Yes, we do share secrets sometimes, but I promise you, most of us are like, no, I want to be pampered. After so many years, I'm going to get married. I'm going to make sure everybody has a really hard time. You do this for me, you do that for me, do this to my hair, and of course, Dr. Okay. Shetty will be right there. Making sure that I get pampered. But yeah, I'm really sure.